गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, है ना। और जहाँ तक हमको याद है हमने ये कहा था कि हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको प्रूफ कर लें। और ये इसलिए भी हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रूफ, ताकि आपको जब हम लोग करेंट में बढ़ाएँ व्हीट स्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिक करेंट में, तो वहाँ आप बस क्यू को आई से रिप्लेस कर दो, सी को आर से रिप्लेस कर दो और ये रिज़ल्ट ला सको। और बात हाँ, इक्विवेलेंट का रिज़ल्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि उसके सीरीज और इसके सीरीज का जो रिज़ल्ट होता है वो डिफ़र होता है। जैसे यहाँ हमने पिछले क्लास में देखा था कि सी पी और हमारा सी क्यू जो कि सीरीज़ में था, और उसका रिज़ल्ट यहाँ हमने सी पी इंटू सी क्यू अपॉन सी पी प्लस सी क्यू निकाला था, जबकि वहाँ क्या होता है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना। फिर वैसे ही आर और एस वाला जो कैपेसिटर है वो भी ऐड हो जाता एच अगर वो रजिस्टर होता तो, लेकिन यहाँ कुछ अलग कंडीशन चला। तो चलिए ठीक है, वो सब हमने देखा था, आज हम इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसका फाइनल, इस पर कुछ क्वेश्चन, इस पर फिर किरचॉफ्स लॉ पे सारे पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस तरह से था हमारा, याद होगा आप लोगों को, वी इसका नाम हमने ए दिया था, सी बी और ये डी था, है ना। अब यहाँ पर हमने इसको सी पी माना था, ये सी क्यू था, ये सी नॉट था, याद होगा आपको, सी आर और ये सी एस था, ठीक है। अब हमने कहा था कि चार्ज को फ्लो करवाना और इसको प्रूफ करके देखना। तो मान लो हमने यहाँ से चार्ज क्यू लिया, ठीक है, तो यहाँ चार्ज गया अगर मान लो क्यू वन, तो यहाँ चार्ज क्या जाएगा, क्यू माइनस क्यू वन, ठीक है, प्लस माइनस। फिर वैसे ही हमारा चार्ज यहाँ तक तो क्यू वन आ रहा है, वो फिर स्प्लिट करेगा, तो ये हो गया मान लो क्यू नॉट इधर गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू नॉट। और इस ब्रांच में जो चार्ज आएगा इस वाले में, तो Q माइनस क्यू वन तो यहाँ होके फ्लो होके आ रहा है, और साथ में इधर क्या आ रहा है, क्यू नॉट। तो लास्टली जो हमारा यहाँ चार्ज मिलेगा वो मिलेगा Q माइनस क्यू वन प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि लूप रूल लगाना है, और लूप रूल लगा के ये देखना है, जिसमें कंडीशन था हमारा कि किसी एक पार्टिकुलर लूप में टोटल पोटेंशियल जीरो होता है। तो पहले हम लोग कौन से लूप में चलेंगे, तो इन लूप आपका ए बी डी ए में चलेंगे, किसमें, ए बी डी ए में चलते हैं। सबसे पहले ए से बी की ओर जा रहे हैं, पहला जो कैपेसिटर मिला हमारा सी पी, प्लस से किधर गए, माइनस की ओर, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस क्यू वन अपॉन सी पी, ठीक है, क्यू बराबर सी पी, क्यू बराबर सी भी होता है, और V इक्वल्स क्यू आई सी, ठीक है, तो ऐसे भी हम लिखवाए हैं आपको। अब इसमें आते हैं, इसमें भी हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। फिर इसमें हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस क्यू माइनस क्यू वन डिवाइड बाई सी आर इक्वल्स जीरो, इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। अब कौन से लूप में चलेंगे, बी सी डी बी में चलेंगे, कौन से लूप में, इन लूप बी सी डी बी, ठीक है। अब बी सी डी बी में आइए, फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या लिखाएगा, माइनस ऑफ क्यू वन माइनस क्यू नॉट अपॉन सी क्यू,
फिर इसमें भी माइनस से प्लस जा रहे हैं ना हम लोग, चलो ठीक है। तो क्यू माइनस क्यू वन प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी एस। अब इस वाले में आ जाओ, तो इस वाले में हम जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस क्यू नॉट अपॉन सी नॉट इक्वल्स जीरो, इक्वेशन टू। अब हम बताओ ये क्या कंडीशन लिखाए थे, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था कि सी पी और सी क्यू का रेशियो और सी आर और सी एस का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन कब, जब इसमें कोई चार्ज नहीं जाए, वी और बी और डी सेम पोटेंशियल पे हो जाए। यानी हमने मानना है कि अगर क्यू नॉट जीरो है तो वो रिजल्ट आना चाहिए कि सी पी अपॉन सी क्यू इक्वल सी आर अपॉन सी एस होगा। हम क्यू नॉट का वैल्यू जीरो रखते हैं, चलो क्यू नॉट का वैल्यू सब में जीरो रखेंगे। इसमें इक्वेशन क्या मिल रहा है हमको, देखो क्यू नॉट का जीरो रख रहे हैं तो ये तो खत्म हो गया, ये क्या मिलेगा, क्यू माइनस क्यू वन अपॉन सी आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू वन अपॉन सी पी, इसको इक्वेशन ए मान लो। ऐसे तो थ्री भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, अच्छा लगता है थोड़ा सा ए। अब इसमें आइए क्यू नॉट का वैल्यू जीरो रखिए, तो क्या आएगा, क्यू माइनस क्यू वन अपॉन सी एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू वन अपॉन सी क्यू, ये इक्वेशन बी हो गया। ठीक है, देख लो, बस खाली क्यू नॉट का वैल्यू जीरो रखा है हमने, क्यू नॉट का वैल्यू जीरो रखा, ये हट गया, इसमें से क्यू नॉट हट गया, तो बच गया क्यू माइनस क्यू वन अपॉन सी एस, ये माइनस है, इसको इधर ले गया तो प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाई ए क्या रिजल्ट आएगा, तो डिवाइड जब दोगे तो q माइनस क्यू वन कैंसिल हो जाएगा, q1 से q1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा सी एस डिवाइड, हाँ बी में a से डिवाइड दे रहा है ना, तो सी एस में से सी आर अपॉन सी एस इक्वल सी पी अपॉन सी क्यू। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी पी अपॉन सी क्यू इक्वल सी आर अपॉन सी एस। ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये रिजल्ट होता है, और चार्ज जो होता है उसमें फ्लो करता है जीरो, किसमें, बी और डी में, और चार्ज अगर सेम उस वायर में अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि बी और डी मेरा सेम पोटेंशियल पे है, यानी वी बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी डी हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते थे, रेजिस्टेंस के लिए कर सकते थे, बस करना ये था कि यहाँ से आई करेंट जाता, आई वन लेते, आई माइनस आई वन होता, फिर आई वन यहाँ, आई नॉट कुछ भी मान लेते, कुछ भी मान लेते, कुछ आपका आई नॉट भी मान सकते, क्या दिक्कत है। तो आई नॉट आई माइनस आई वन प्लस आई नॉट, फिर इसी तरह से लूप रूल लगाते, उसके लिए भी कंडीशन लिखाए हैं हम करंट के डायरेक्शन और रेजिस्टेंस के डायरेक्शन के हिसाब से, तो उस तरह से अप्लाई करते और आपका ये आंसर आ जाता। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड जो मेरा न्यूमेरिकल हो सकता है ना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। फिलहाल पहले आप इसको नोट करिए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका मिटाने वाला पहले फिलहाल ले आया जाए। फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत देख लेना, अगर कुछ तकलीफ होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ऐसे कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी है।
देख रहे हैं ये आपका 4 माइक्रोफेराड का लास्ट में, ठीक है, ये मान लो पॉइंट एन, ठीक है, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं एम, और इधर है एक आपका 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ और इसके सामने एक वायर है, और आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अक्रॉस एम एन, है ना, अक्रॉस एम एन इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इसको छोड़ दो पहले, फिलहाल बात करते हैं इस वाले का जिसमें ये वायर लगा हुआ है। वायर लगाने का मतलब क्या हुआ, हमने कैपेसिटर के दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, ये एक मतलब समझ सकते हैं। दूसरा, हमने कहने का मतलब कि अगर हम इसको सर्किट से कनेक्ट करें तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ होगा इसका निगेटिव टर्मिनल, है ना, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वी और प्लस माइनस, यानी चार्ज जो यहाँ से प्लस क्यू जाएगा उसको हमने बाईपास कर दिया है। बाईपास कहने का मतलब क्या सही है, एक्चुअली इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, है ना, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कि इससे चार्ज को फ्लो करने में आसान होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस उसको ऑब्स्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। तो चार्ज को पॉसिबल वे दो है, एक ये और एक ये, बट वो प्रीफर कौन करेगा, इसको प्रीफर करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है और इस 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा इसका मतलब इसका रहना और ना रहना बात बराबर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने कैपेसिटर के दोनों एंड को कनेक्ट करके उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। चीज़ एक ही है, बोलने का ढंग अलग है, बात मतलब इतना ही है कि इस 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दो तो भी वो खराब हो जाता है, और आप ऐसे समझो कि आपने इसको बाईपास कर दिया है चार्ज को तो भी वो, समझ रहे हैं ना, बाईपास का मतलब समझते हैं ना, शहर के बाहर से रास्ता, जो शहर के भीड़भाड़ से हट के हो, भीड़भाड़ से हट के हो यानी भीड़भाड़ से हटा के हटा दिए, तो चार्ज इससे नहीं जाएगा, इस बाईपास से जाएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अब इधर आते हैं, इधर हमें जो स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में वो कुछ हद तक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप लग रहा है, और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको फील आ रहा है, बस कंडीशन ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है या नहीं, तो ये ऐसे तो नहीं दिखेगा। पहले फिलहाल इस 8-8 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो कि सीरीज में है तो इसका 4 हो जाएगा, है ना, सीरीज में है तो हाफ हो जाएगा क्योंकि दो कैपेसिटर है सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा हुआ, तो ये 4 माइक्रोफेराड और ये 4-4 बन जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेराड, है ना। अब बहुत सिंपल हो गया ना हमारा, 4 2 8 4 2 8, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 8 और ये भी 8 है, तो फिर इस 3 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो आप इस 3 को निकाल के बाहर फेंक दो। अब हमारा सर्किट ऑलमोस्ट एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, देखो 4-4 का 2 हो जाएगा और 2-2 का 1 हो जाएगा, होगा, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कैसा मिलेगा, ये 3 माइक्रोफेराड, 4-4 का 2 और 2-2 का 1, तो 2 और 1 पैरेलल हो जाएगा ना, ये 4-4 का 2 और 2-2 का 1 जो है दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी यहां पर एक और कैपेसिटर मिलेगा हमको 3 माइक्रोफेराड का, फिर यहां पर एक कैपेसिटर है हमारा 6 माइक्रोफेराड का, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफेराड का, और यहाँ एक और कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड का, और फिर ये है हमारा 4 माइक्रोफेराड का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है ना, 3 और 3 का कितना हो जाएगा, बोलो, 3/2 होगा, होगा ना, तो चलो कर लेते हैं इसको 3/2। क्या गलत लिख रहे हैं, हाँ गलत लिख रहे हैं, वेरी गुड, 3 और 3 का 6 होगा क्योंकि ये पैरेलल है, हमको ऐसा लगा था कि हम गलत लिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफेराड। अब ये 6 6 का और ये 6 का 2 तो हो सकता है क्योंकि 3 जो कैपेसिटर्स हैं हमारे वो 6 माइक्रोफेराड के, और तीनों इक्वल हैं सीरीज में है, तो 6/3 डेट इज 2, तो अब बन गया हमारा इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो 2 माइक्रोफेराड, इसके पैरेलल में आपका 2 माइक्रोफेराड और फिर सीरीज में एक 4 माइक्रोफेराड का, ये एन और ये एम,
अब क्या होगा, ये दो दो का क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा, यानी इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो दो कैपेसिटर्स आएंगे 4 माइक्रोफेराड के, कितने 4 माइक्रोफेराड के दो कैपेसिटर आएंगे, जिसका ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा आपका 2 माइक्रोफेराड, कितना आएगा 2 माइक्रोफेराड, क्यों, क्योंकि सीरीज में है और इक्वल अमाउंट है तो 4/2 हो गया, तो फाइनली हमारा हो गया 2 माइक्रोफेराड। नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया है नोट आप लोग का। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखो इसको पहले मिटा देते हैं। इन सब के अक्रॉस हमको, मतलब एक्चुअली ये जो हमारा MN है, इनके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। और अब सबका वैल्यू लिख लेते हैं, ये 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, वो 5 से 5 हो गया, 6 है, ये भी 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, अरे यार 5 माइक्रोफेराड, 5 और ये भी 5 माइक्रोफेराड। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है ना, देखो क्या करना है, 5 5 5 जितना भी है आप देखो वो सारा सीरीज में है, इधर भी वैसे ही आपके 5 माइक्रोफेराड के जितने भी आपको 5 कैपेसिटर है वो सारे सीरीज में है। फिर यहाँ देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो क्या करें, ये गया, इसकी कहानी समाप्त, तो इसकी सेवा समाप्त करते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि हमारे पास 4 अलग अलग ब्रांच हैं, एक में अगर हम सबको देखें तो ये 5ों का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, देखो तो 5/5, 1, 5/5 क्यों रखें, 5 इसकी कैपेसिटेंस है और 5 कैपेसिटर है सीरीज में, तो ये हो गया हमारा 1 माइक्रोफेराड का। सिमिलरली जो आपका लोएस्ट ब्रांच है सबसे, उसमें भी आपका 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा, है ना। अब ये जो बीच वाले दो ब्रांच हैं, ये 6 और ये 6 का आपका 3 हो जाएगा, है ना, तो 2 कैपेसिटर मिलेंगे हमको 3 माइक्रोफेराड का यहाँ, और इसके पैरेलल में ही एक और मिल जाएगा हमको 3 माइक्रोफेराड का, और ये पॉइंट है हमारा M और ये पॉइंट है N। जो लास्ट कैपेसिटेंस हमको मिलेगा M और N के बीच का वो कितना मिलेगा, बहुत सिंपल है, सारे पैरेलल में है तो 3 3 6 5 6 और 2 ही ना 6 2 8 8 माइक्रोफेराड का। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया नोट आप लोग का, समझ गए, इसमें कुछ खास नहीं था, बस में से 3 हटाना था और मतलब ये 6 हटाना था, बाकी आपको सीरीज पैरल का खेल था और क्या। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज पे, फिर इस पे किरचॉफ लॉ पे और भी कुछ यूजेस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो जो शॉर्ट सर्किट का किया था हमने उसमें भी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के बुक में। देखिए ये है आपका 4 माइक्रोफेराड का, ये भी दोनों हैं आपका वही 4 माइक्रो फैराड का,
बाद में देखेंगे। ये है चार, देखिए हमारे पास एम और एन दो पॉइंट है, इनके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, जबकि हमको सारा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो 4 माइक्रो फैराड है। कैसे सॉल्व करेंगे? फिलहाल तो अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है क्या, कि जहाँ तक वायर में कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है उस पॉइंट तक का पोटेंशियल आपस में इक्वल है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसका पॉइंट ये पॉइंट एम है तो इसको भी हम एम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इसको n, तो ये भी n होगा और ये भी n होगा, ये x मान लेंगे और इसको y, तो ये भी y हो जाएगा। उसको x मानना पड़ा इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल था नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो सारे का पोटेंशियल मिल चुका है, जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं हमारे जिनमें हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है उन सारे पॉइंट्स का मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस सब कैपेसिटर को अरेंज करेंगे M और ये N। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे M का X से भी ये कैपेसिटर कनेक्ट, M का N से है, X का भी N से है, वेरी गुड, और N का Y से भी कनेक्टेड है। तो ये पॉसिबिलिटी जिस तरह से है कि M और N के बीच में X Y नहीं ले सकते। देखो अगर M के बीच में X लेंगे तो फिर हमको किसी को बाईपास करके जाना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट x ऊपर ले लेते हैं और एक पॉइंट y नीचे लेते हैं, फिर आराम से वो कनेक्टेड हो जाएगा, नहीं तो फिर बाईपास करना होगा, फिर हमको इस तरह से आना पड़ेगा, इस कारण से ऐसा करना पड़ रहा है। तो पहला एक कनेक्शन ले लिए m का x से, एक कैपेसिटर मिल गया, फिर m का y से है, ये देखिए है ना, चलिए m का y से मिल गया, वैसा ही था y का x से, y का x से ये एक कैपेसिटर हो गया हमारा y का x से, फिर है x का n से और y का n से, x का n से और y का n से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया, बस एक नहीं हुआ है, क्योंकि वहां देखिए हमने कैपेसिटर 5 कनेक्ट किया है और यहां क्वेश्चन हमको 6 दिया हुआ, एक ये छूट गया, m का n से, m का y से कर दिए, m का x से हो गया, x का n से, y का n से हो चुका है, एक m का n से बच गया, इसको और इसके साथ कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे हम ओवरलैप दिए हैं, और इन दो पॉइंट्स के बीच हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात हमने जो सीखा है, इसको पहले 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं, सारा तो 4 माइक्रोफेराड का ही है आपका। हमने क्या सीखा था, हमने ये चीज़ सीखा है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम होता है, मतलब 4 और 4 16 और 4 और 4 16, तो x और y यानी इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, vx और vy सेम होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि m और n का पोटेंशियल सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि M और N के अक्रॉस तो कोई सेल कनेक्टेड होगा, ऑब्वियस है, अगर सेल कनेक्टेड होगा तो ये V पोटेंशियल का है, तो इधर आपका ये प्लस ये माइनस, तो इधर V और इधर जीरो रहा होगा, तो इसका मतलब ये V और ये जीरो रहा होगा, तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये कैपेसिटर रहेगा जो अक्रॉस का है, एम एन के अक्रॉस, उस लाइन के अक्रॉस का, लेकिन जो उसके परपेंडिकुलर वाला है वो खत्म होगा, यानी खत्म सिर्फ ये होगा, ये और बाकी इसको हटा दे, हटा सकते इसको, कोई दिक्कत, इसका कोई जरूरत भी नहीं है, उसे समझने के लिए था। अब बस सिंपल है, 4 4 का 2 4 4 का 2 और ये 4 और 4 2 6 2 8, इसका 8 आएगा, 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटेंस आएगा इसका, एवन का, कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, 4 4 का 2 4 4 का 2 और 4 8 हो गया,
नोट करिए इसको।